हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद इरशाद। मैं आज बात करने वाला हूं दुबई रेसिडेंट वीज़ा होल्डर के बारे में। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है, जिनके पास दुबई का वीज़ा है वो लोग अब इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि अभी खाली टाइम पर न्यूज़ आ चुका है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जिन लोगों का वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया है वो लोग अब इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आराम से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। पर जो रूल जो चल रहा था उसी तरह से ये रूल चलेगा। जैसे कि आप लोग के पास अगर वीज़ा जो एक्सटेंड है हो चुका है, जैसे अभी यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा को एक्सटेंड 9 दिसंबर तक कर दिया है, तो जिन लोगों का वीज़ा अगर एक्सटेंड हो गया है तो आप लोग इजीली टिकट बना सकते हैं। पर टिकट बनाने से पहले आप लोग GDRFA का अप्रूवल चाहिए। GDRFA का अप्रूवल के बाद टिकट बनाइए। टिकट बनाने के बाद कोरोना का टेस्ट कराइए विद इन 48 आवर विद QR कोड के साथ, और फिर एयरपोर्ट में जाइए 6 घंटा पहले, फिर 4 घंटा पहले आपका रैपिड टेस्ट होगा, उसके बाद आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट में रैपिड टेस्ट का फैसिलिटी अब हो चुका है, इंशाल्लाह आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आप लोग को ये वीडियो ये बता दूँ, जिन लोगों का वीज़ा दुबई का है वही लोग आ सकते हैं। अगर अबू धाबी वीज़ा है या शारजा वीज़ा है या अजमान वीज़ा है या फुजैरा का वीज़ा है, अगर सोच रहे कि मैं दुबई में लैंड करूं तो नहीं हो सकता। एज़ पर रूल के हिसाब से दुबई एयरपोर्ट में सिर्फ ये परमिशन है। सो दोस्तों, ये वीडियो मेरा आज का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।